नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आजकल स्किन के प्रॉब्लम एक आम प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए आज के हमारे एपिसोड में हम जानेंगे स्किन के प्रॉब्लम्स के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। और आज हमारे इस चर्चा में शामिल होने जा रही हैं डॉक्टर मंजिरी पाटनकर, जो MBBS MD है। वो एक ओबेसिटी कंसल्टेंट है तथा कॉस्मेटिक फिजिशियन है। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन और सिंगापुर से कम्प्लीट की है। हाल ही में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK में समर स्कूल ऑफ ओबेसिटी में हिस्सा लिया था, जहां पर 35 कंट्री के ओबेसिटी कंसल्टेंट आए हुए थे। आज मंजिरी पाटनकर के क्लिनिक्स इंडिया, दुबई, कुवैत में हैं, जो डॉक्टर मंजिरी इंस्टा स्कल्प्ट के नाम से मशहूर है। तो आइए चलो मिलते हैं डॉक्टर मंजिरी पाटनकर से। वेलकम टू अवर शो। तो जैसे कि हमने कहा कि आजकल स्किन की समस्याएं काफ़ी देखी जाती है, तो आप क्या कहेंगे कि स्किन कितनी इम्पोर्टेंट होती है? आजकल स्किन की बहुत समस्याएं हम लोग देखते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या है एक्ने, ओपन पोर्स है, बहुत सारे लोग हाइपोपिगमेंटेशन से पीड़ित है, अंडर आई सर्कल्स, रिंकल्स, एजिंग जल्दी हो रहा है, आजकल एजिंग आफ्टर द एज ऑफ 30 हो रहा है, पफ़ी आईलिड्स है, डबल चिन है, बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम्स हैं। और सिर्फ फेस के ऊपर ही नहीं, लेकिन बॉडी के ऊपर भी पिगमेंटेशन रहता है, यानी कि नेक, बैक, आर्म्स, वहाँ भी बहुत पिगमेंटेशन बढ़ रहा है। तो अब क्या हमारे दर्शकों को कैसे कहेंगे कि इस अगर समस्याओं का हल हमें ये करना है, तो कैसे इसको हम इसकी देखभाल कैसे करें? एक तो ऐसा है कि स्किन के प्रॉब्लम्स बहुतांशी जैसे टीनेज में शुरू हो जाते हैं, टीनेज यानी कि 13 या 14 के बाद जब हार्मोन्स की बहुत सारी चेंजेस होती है तो एक्ने बढ़ते हैं। अभी एक्ने ऐसा प्रॉब्लम है कि वो 13 और 14 से शुरू होती है, 40 और आज तक 45 तक हम लोग देखते हैं। बहुत सारा स्ट्रेसफुल अभी लाइफ हुआ है, तो इसके लिए दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आजकल एक्सट्रीम वेट लॉस लोग करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का डेफिशिएंसीज रहती है, और सन का जो फैक्टर है, एक्सट्रीम सन रेज है, उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज है, उसके कारण एजिंग बहुत ही जल्दी होती है, पिगमेंटेशन भी बढ़ जाती है। इसके लिए कुछ कॉस्मेसूटिकल्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। SPF फैक्टर हम जो बोलते हैं, जिससे UV रेज ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे भी हम लोग घर के बाहर जाते हैं 20 मिनट पहले एक SPF 30 या 40 यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और आप लॉन्ग आवर्स में सन में हो तो एवरी फोर्थ आवर रिपीट करना चाहिए आपको। तो जैसे कि आपने कहा कि समस्याएं तो काफ़ी है, लेकिन अगर शुरू से ही इस बारे में बात की जाए तो स्किन की समस्याओं को डायग्नोज कैसे किया जाए? स्किन का जो ये जो समस्या है वो डायग्नोस करने के लिए, एक तो हाँ, जैसे कि डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग स्किन की परीक्षा लेते हैं, उसके लिए एक लेटेस्ट अभी मशीन आया हुआ है, उसका नाम है स्किन एनालाइज़र। वो स्किन एनालाइज़र एक लेज़र मशीन है, उसका एक प्रोब रहता है, वो प्रोब स्किन के ऊपर रख देते हैं, और वो प्रोब रखने से स्किन का जो मॉइस्चर कंटेंट है, पिगमेंटेशन है, और जो एजिंग साइंस है, वो सब उसमें दिखता है। कभी कभी क्या होता है, अपने खुलेआम अपने को दिखता नहीं है कि ये एजिंग हो रहा है कि नहीं, पिगमेंटेशन बहुत डीप है या सुपरफिशियल है। ये जो हम लेज़र प्रोब स्किन के ऊपर रखते हैं तो पिगमेंटेशन कितना डीप है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और कभी कभी सुपरफिशियल है तो ऑइंटमेंट्स ऐसा कुछ लगा के वो चला जाता है, लेकिन जब पिगमेंटेशन बहुत ही डीप हो तो उसके लिए लेज़र, रेडियो फ्रिक्वेंसी ये यूज़ करना होता है। इसके लिए एनालाइज़र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपने आँखों से नहीं दिखता है वो एनालाइज़र पिकअप कर देता है। तो आपने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, जो एनालाइज़ हम लोग करते हैं। तो जैसे जिस तरह से हमें पता होता है कि स्किन के भी टाइप्स होते हैं, तो किसी की ड्राई होती है, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की स्किन के तीन टाइप के मेजरली प्रकार होते हैं। एक नॉर्मल स्किन, यानी कि उसमें सेबेशियस ग्लैंड, जो ऑयल निकलता है, सीबम निकलता है, वो नॉर्मल है, और नॉर्मली यंग स्किन जो है फ्रेश ब्राइट है। मैं फेयर स्किन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ ज़्यादा ढब्बे नहीं है, एक रिजुविनेटेड फ्रेश ब्राइट लुक है, उसको नॉर्मल स्किन कहते हैं। कभी कभी बहुत ही ऑयली स्किन रहती है, ये जो ऑयली स्किन रहती है वहाँ सेबम बहुत ही ज़्यादा तरीके से बाहर आता है, पूरा ग्रीजी दिखता है, उसमें एक्ने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं। एक कॉम्बिनेशन स्किन नाम का जो ये चीज़ है, उसमें एक टी शेप्ड, यानी ये जो टी है वहाँ ऑयली है और बाकी के एरिया में ड्राई है, यानी कि फोरहेड, नोज़ और चिन में
ऑयली रहती है उधर सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और बाकी के एरिया में जहाँ ड्राई है उधर पिगमेंटेशन ज़्यादा बढ़ता है। कभी कभी आजकल एक बहुत दूसरी टाइप की स्किन दिखाई जाती है जिसको बोलते हैं सेंसिटिव स्किन, कुछ भी इस्तेमाल किया तो उसमें एलर्जी होती है, पिंपल्स होते हैं, रैश होते हैं, तो उसको सेंसिटिव स्किन कहनी जाती है। तो अभी जैसे आप बता रही थी कि टीनेजर में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम समस्याएं देखी जाती है जो कि अपने स्किन के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी होती है, तो हमारे टीनेजर्स को आप क्या बताएंगे कि वो अपनी स्किन की कैसे देखभाल करें, कैसे ट्रीटमेंट भी आगे ले उस बारे में? अभी एक्ने जो समस्या है वो टीनेज से लेके 45 तक शुरू होती है, लेकिन टीनेज ये ऐसी एक एज है जब दे आर जस्ट एंटरिंग लाइफ, तो उन्हें अच्छा दिखना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं कैसा दिखती हूँ और मुझे लोग कैसा परसीव करते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक भी एक पिंपल आया तो उनको लगता है कि बस लाइफ ख़त्म हो गया, इतना वो सेंसिटिव रहते हैं एक्ने को लेके। और वो 13 या 15 या 16 तक हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं कि कुछ भी करे वो एक्ने बढ़ ही जाते हैं। वैसे भी उनको स्ट्रेस रहता है, स्टडीज़ का स्ट्रेस रहता है, बाकी के स्ट्रेसेस रहते हैं, इसके लिए जब कोई भी ऐसा 13 या 14 में, स्पेशली गर्ल्स को ये ज़्यादा, आजकल बॉयज़ को भी एक्ने दिखते हैं, तो एक तो स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वेट कंट्रोल रखना चाहिए, और खाने पीने में ये जो जंक फूड खाते हैं और फिजी ड्रिंक्स लेते हैं वो भी कंट्रोल करने चाहिए। कंट्रोल करना ही अच्छा है क्योंकि हार्मोन्स को हम रोक नहीं सकते, इसके लिए ये जो सब खाना पीना और जो एक्सरसाइज वगैरह वो कंट्रोल करना चाहिए। तो जैसे कि अभी हमने टीनेजर्स के बारे में बात की, तो और एक वर्ग है हमारी सोसाइटी में, महिला वर्ग, जो दिन में कम से कम 10 बार आईने में देखते हैं अपनी स्किन को और वो भी बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो हमारी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आप? एक तो मैं कहूँगी कि सिर्फ महिलाएं नहीं, आजकल पुरुष लोग भी बहुत ही आईने में देखते हैं, सब लोग आईने में देखते हैं, क्योंकि अच्छा दिखना ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है, और अच्छा दिखना ये इट्स अ नीड ऑफ द टाइम। मैं बोलूँगी कि जैसे आपने अभी डिस्कस किया टीनेज में एक्ने प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ये तो शुरुआत है। एक्ने सिर्फ एक पिंपल से शुरुआत होती है, उसको कभी ब्लैक कॉमेडॉन्स बोलते हैं, वाइट कॉमेडॉन्स होते हैं, जैसे कि उसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत ही बढ़ जाते हैं। अभी कोई बच्चे लोग उसको थोड़ा सा खुजा के वो सब निकालना चाहते हैं तो उसके स्कार्स रह जाते हैं, स्कार्स और कभी कभी पिट्स यानी खड्डे ढब्बे भी रह जाते हैं। ये टालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये परमानेंट हो जाते, एक बार उसके दाग हो गए या उसके खड्डे हो गए तो फिर वो पूरे लाइफ तक रहते, फिर उसके लिए फिलर्स लेने पड़ते हैं और बहुत सारी बाकी की ट्रीटमेंट, लेज़र्स लेने पड़ते। ये एक्ने तो महत्वपूर्ण समस्या है, और अभी एक और एशियन स्किन में ज़्यादा हम लोग देखते हैं वो है पिगमेंटेशन। ये पिगमेंटेशन यानी कि सब जगह एक ब्लैक हेड्स, स्पॉट्स, एज स्पॉट्स आने लगते हैं, फ्रैकल्स आते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी होती है या प्रेगनेंसी होती है, चीक्स पे एक ब्लैकनिंग शुरू हो जाता है। ये जो होता है उसको हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल है। ये पिगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि जो मेलानिन है अपनी स्किन के जो दो लेयर्स है, एपिडर्मिस और डर्मिस, उसमें बीच में एक मेलानोसाइट्स करके सेल्स है, उसमें से कंटिन्यूस मेलानिन नाम का पिगमेंट आता है। ये पिगमेंट से तुम्हारी स्किन का जो कलर है वो डिसाइड होता है, यानी जिसका पिगमेंटेशन ज़्यादा है वो थोड़ी डार्क स्किन रहती है, जैसे कि हम लोग एशियन स्किन में बोलते हैं। एक्चुअली एशियन स्किन इज़ द बेस्ट स्किन टू हैव, जो यूरोपियन स्किन है उसमें एजिंग साइंस बहुत जल्दी निकल आते हैं, तो ये जो पिगमेंटेशन है वो जो काले ढब्बे जब आ जाते हैं या अंडर आई सर्कल्स आ जाते हैं, कभी कभी एक्सट्रीम वेट लॉस होता है तो सैगिंग हो जाता है। आजकल ऐसा देखा गया है कि बहुत ही हार्मोनल फैक्टर्स में, स्ट्रेस से या सनरेज के कारण जो पिगमेंटेशन बढ़ रहा है, एजिंग बढ़ रहा है। अभी ये एजिंग क्यों बढ़ता है, क्योंकि स्किन के अंदर जो कोलेजन है वो पूरा टूट जाता है और वो एजिंग भी होता है। ये बहुत सारे समस्या है, वो पहले 40 या 50 में दिखती थी, आजकल एजिंग 30 में ही शुरू हो जाता है। वर्किंग वीमेन को टाइम नहीं है, खाना पीना बराबर नहीं, एक्सरसाइज बराबर नहीं है, सब डेफिशिएंसीज है, तो एजिंग यानी कि पफी आईलेट्स, डबल चिन, सैगिंग स्किन, ये प्रॉब्लम्स ही बहुत हो गए। डॉक्टर, अगर महिलाओं के बारे में हम बात करें तो जैसे आपने अभी कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी जो काले दाग यहाँ पे दिखाई देते हैं तो उनको भी लगता है कि इसके बाद तो मेरी ज़िंदगी पूरी ख़त्म होगी, अभी मैं क्या करूँ, ऐसे हो जाता है, तो हमारी महिलाओं के लिए आप और क्या थोड़ा हमें सलाह देंगे उस बारे में, वो डॉक्टर के पास जाए तथा अपने खाने पीने का कैसे ध्यान रखें? स्किन के प्रॉब्लम्स है वो
80% आपको ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए, क्योंकि जो फैक्टर्स है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि हार्मोन्स तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी जो बढ़ जाते उसके ऊपर तो कोई इलाज नहीं है, यानी कि प्यूबर्टी में भी इलाज नहीं है, तो 20% कंट्रोल एक अच्छा खाना पीना, न्यूट्रिशनल जो है जिसमें सब विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो लेना ज़रूरी है, एक रेगुलर स्लीप आवर्स चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, बाकी जो है वो रोकने के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। यानी कि जैसे आपने बोला वो प्रेगनेंसी में जो मेलेज़मा आता है वो कभी सुपरफिशियल होता है नहीं तो डीप होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। पिगमेंटेशन का जो ट्रीटमेंट है उस वो भी जैसे कि स्किन एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि ये सुपरफिशियल है या डीप है, जब सुपरफिशियल हो तो कुछ ऑइंटमेंट्स से ठीक हो जाता है, टेटिनॉइक ऑइंटमेंट्स लेते हैं, जब ये डीप रहता है तो हमें दूसरी कुछ ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती है, यानी कि वो मीजोथेरेपी होती है या रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, लेज़र्स भी है, ये लेज़र्स हर एक चीज़ के होते हैं, लेज़र्स से एक्ने भी चले जाते हैं, हर एक वेवलेंथ के लिए हर एक एक स्किन का प्रॉब्लम के लिए हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है पिगमेंटेशन के लिए एक सुपरफिशियल हो तो पील्स भी यूज़ कर सकते हैं, ऑइंटमेंट्स यूज़ सकते हैं, जब डीप हो तो उसके लिए लेज़र ही जरूरी है। तो साथ साथ वो ट्रीटमेंट भी करें और अपने खान पान का भी अच्छे से ध्यान रखें, ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमने कहा डॉक्टर कि अभी एजिंग जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी आजकल सुनने में आया है और उसके बारे में भी बहुत लोग कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या बताएंगे, थोड़ा विस्तार में बताएं। एजिंग ये प्रोसेस है ये एक्चुअली स्किन 25 इयर्स के बाद ही शुरू हो जाता है। स्किन बहुत ही नॉर्मल जो यंग स्किन है जो ब्राइट दिखती है वो उसके नीचे कोलेजन रहता है और जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिन फाइबर से रहती है। जैसे कि हम आगे बाहर जाते हैं तो सन को एक्सपोज करते हैं, स्ट्रेस है, स्लीप कम है, पिगमेंटेशन बढ़ता है, एजिंग का इफेक्ट ही है पिगमेंटेशन होता है, स्किन लूज होने लगती है और जैसे मैंने कहा एज स्पॉट्स आते हैं, फ्रेकल्स आते हैं, अंडर आई सर्कल्स आते हैं, तो उसके लिए जो नॉर्मल स्किन 30 एज की दिखती है वो 40 की दिखने लगती है। आजकल ये एजिंग 35 इयर्स के बाद ही शुरू होता है, महिलाओं में बहुत ही जल्दी शुरू होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद पिगमेंटेशन बढ़ता है, कभी कभी वेट गेन ज़्यादा होता है तो डबल चिन आती है और ड्रास्टिक डाइट से वेट लॉस होता है, फिर स्किन सैग होती है। जो कोलेजन है स्किन के नीचे, कोलेजन स्किन को सपोर्ट करता है, उसको फर्म रखता है, जब एजिंग होता है तो ये कोलेजन टूट जाता है, पूरा ब्रेक होने के कारण स्किन लूज हो जाती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब जो हम लोग मशीन से जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो लेना बहुत ज़रूरी है। वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक तो जो टूटा हुआ जो कोलेजन है क्योंकि स्किन का सपोर्ट चला गया है वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्किन अंदर खींची जाती है तो स्किन टाइट हो जाती है, वो तो इमीडिएट इफेक्ट होता है, लेकिन एक 5 या 6 बरस के लिए इफेक्ट रहने के लिए वो एक इंड्यूस करता है कोलेजन फॉर्मेशन, यानी कि नया कोलेजन फॉर्म होता है, वो नया कोलेजन फॉर्म होने से एक नेक्स्ट 4 to 5 years और कोलेजन फॉर्म हो जाएगा और स्किन बहुत ही अंदर टाइट खींची जाएगी। इसके लिए कुछ गोलियां और टैबलेट्स भी लेते हैं जिसमें विटामिन्स मिनरल्स और आजकल वो कोलेजन भी अवेलेबल है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट। अभी जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया था हाइपर पिगमेंटेशन, वो क्या है बताइए। जिससे हाइपर पिगमेंटेशन मैंने बताया कि एक स्किन के 3 layers होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में एक लेयर होता है उसको बोलते हैं मेलेनोसाइट्स। ये मेलेनोसाइट्स एक पिगमेंट तैयार करते हैं उसका नाम है मेलेनिन। जैसे कि मेलेनिन बढ़ता है वो बाहर आता है और स्किन ज़्यादातर के ब्राउन दिखते हैं, कम मेलेनिन होता है तो स्किन वाइट दिखती है, जैसे कि एशियन स्किन ज़्यादा ब्राउन है। और ज़्यादा करके ये मेलेनिन कभी बढ़ता है जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, हार्मोन्स आते हैं या प्रेगनेंसी रहती है, और जैसे कि हम लोग देखते हैं सन के यूवी रेज रहते हैं, यूवी रेज भी 2 types के होते हैं, ए और बी, ये सब जब स्किन को इंसल्ट होते हैं तो मेलेनिन ज़्यादा बढ़ता है। जब हम हाइपर पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें भी 2 types के होते हैं, एक पूरा का पूरा हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि पूरा का पूरा स्किन में मेलेनिन फैल जाता है, और दूसरा है ब्लॉची, यानी कि कुछ कुछ जगह पे ही वो मेलानिन फैल जाता है। इसके लिए वो ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना उसका ज़रूरी है क्योंकि ब्लॉची अपीयरेंस आता है,
कोई कोई एरियाज़ पे ही वो ब्लॉची दिखता है, इसके लिए वो उसका ट्रीटमेंट लेज़र से करना बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ एरियाज़ में सुपरफिशियल रहता है मेलनिन, कभी कभी डीप भी रहता है। इसके लिए पिगमेंटेशन का जो ट्रीटमेंट है उसके भी बहुत टाइप्स रहते हैं आजकल। बहुत एक 10 साल पहले पिगमेंटेशन के लिए कुछ भी नहीं था, हम लोग सिर्फ स्टीरॉयड्स देते थे। अभी ट्रीटमेंट्स इतने एडवांस्ड हो गए, ऑलमोस्ट 70-80% पिगमेंटेशन जा सकता है। तो दर्शकों, हमारी इस चर्चा को हम यूं ही बरकरार रखेंगे। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। नवी मुंबई, मुंबई का वो हिस्सा जिसमें फ्लैट लेना सबका सपना है, पर क्या बजट की वजह से आज आपका ये सपना अधूरा है? अब नहीं, अगर आप भी मेरी तरह तलोजा में एनके होम्स का एनके गार्डन में घर लें तो, जिसमें सभी सुविधाओं के साथ साथ एक पब्लिक स्कूल और हॉस्पिटल भी है। प्रपोज्ड पनवेल एयरपोर्ट से सिर्फ 9 किलोमीटर, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड और बगीचे, और फिर जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, कम्युनिटी हॉल, शॉपिंग मॉल वगैरह वगैरह वगैरह। 1, 2 और 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स। कंस्ट्रक्शन शैली की मजबूती के साथ इसकी एलिवेशन भी बहुत सुंदर है। एक ऐसा घर है जिस पर आप नाज कर सकेंगे। एनके गार्डन रेजिडेंशियल टाउनशिप नियर MIDC तलोजा, नवी मुंबई। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मंजरी पाटनकर से। डॉक्टर, आजकल स्किन ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जरा उसके बारे में बताइए। जैसे कि हमने देखा है कि स्किन ट्रीटमेंट बहुत बरसों से चले आते हैं, जब से घर में कभी चंदन लगाना या बेसन लगाना, वहाँ से बरसों से शुरुआत हुई है। बाद में अभी हर एक लड़की यानी कि हर एक महिला, ऐसे कि रूल ही हो गया है कि महीने में एक बार पार्लर में जाना है, फेशियल करना है, गोल्ड फेशियल, डायमंड फेशियल, ये फेशियल। लेकिन मेरे ख्याल से उसका इफ़ेक्ट मेरे को तो कभी दिखा नहीं है। आजकल यानी कि लास्ट 5 ईयर्स में स्किन के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इतने एडवांस्ड हो गए हैं। आप देखो तो फेशियल वैसे तो पार्लर में भी होता है, लेकिन अभी हमने एक मेडी फेशियल करके इंट्रोड्यूस किया है। जैसे वो तो एक मेडिकल स्पा फेशियल जैसा है, 10 स्टेप्स वो 5 स्टेप्स में है और सब UK बेस्ड प्रोडक्ट्स है। उससे जो एक ब्राइटनिंग और जो एक ग्लो आता है फेस को, वो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद में जो परमानेंट रिजल्ट्स के लिए जो आप बात कर रहे हैं, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी क्लिनिक में इंट्रोड्यूस की है। एक रेडियो फ्रीक्वेंसी नाम की एक टेक्नोलॉजी है, जिसे मैंने कहा कि एक स्किन का जो एंटी एजिंग प्रोसीजर है। रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि हीट रहता है, जो हीट अंदर तक जाता है डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस तक, और जो कोलेजन है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी से। उससे दो इफेक्ट्स होते हैं, एक तो इमीडिएट इफेक्ट टाइटनिंग मिलता है, और एक लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट रहता है उससे फाइन जो रिंकल्स रहते हैं, फाइन लाइंस रहते हैं, वो एक घंटे के सेशन में चले जाते हैं। ये तो एक है रेडियो फ्रीक्वेंसी, उससे पिगमेंटेशन भी इम्प्रूव होता है क्योंकि वो जो मेलानिन फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक टेक्नोलॉजी है, वो स्पेन से लाया हुआ है, स्पेनिश टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं मीजोथेरेपी। यूरोप में वो बहुत ही पॉपुलर है। मेनली मीजोथेरेपी के 3 यूजेस हैं, एक यानी कि एंटी एजिंग, दूसरा जो है वो स्किन रिजुविनेशन। स्किन रिजुविनेशन यानी स्किन का जो ब्राइटनिंग, मैंने जैसे कहा पिगमेंटेशन कम होता है, जो स्किन का जो टॉक्सिन्स है, जो फ्री रेडिकल्स है, उसको वो एब्जॉर्ब करती है। मीजोथेरेपी यानी कि एक प्रोब रहता है, उसका टेक्निक को इलेक्ट्रोपोलेशन टेक्निक बोलते हैं। कुछ सॉल्यूशंस है जिसमें अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स हैं, उसके ड्रॉप्स स्किन के ऊपर डाले जाते हैं और वो प्रोब सर्कुलर मोशन से घुमाया जाता है, और वो सब जो सॉल्यूशंस है वो अंदर जाते हैं, स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं, स्किन की जो ब्लड वेसल्स है वो बड़ी होकर सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। तीसरी एक जो टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं एंडर्मोलॉजी। एंडर्मोलॉजी यानी एक माइल्ड वैक्यूम रहती है, माइल्ड वैक्यूम और एक जेंटल मसाज रहता है, उससे एक लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, स्किन के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो निकाले ले जाते हैं और पिगमेंटेशन कम हो जाता है, और जो एंटी एजिंग है वो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स उसमें आता है। वैसे भी बहुत एडवांस्ड आजकल कॉस्मेस्यूटिकल्स आए, कॉस्मेस्यूटिकल्स यानी वो कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल, उसका न्यूट्रोस्यूटिकल, उसका एक कॉम्बिनेशन है। यानी कि कॉस्मेटिक्स यानी वो अपने स्किन के फेस के ऊपर ही लगाने के, लेकिन उसमें जो विटामिन्स है, मिनरल्स है और वो सब ग्रेडियंट्स है कि पहले वो इंजेक्शन से देते थे, अभी वो इंजेक्शंस का ज़रूरत नहीं, वो अपने आप वो स्किन में एब्जॉर्ब होता है। यानी कि आपने सुना होगा बोटॉक्स, आजकल बोटॉक्स बहुत ही फेमस वर्ड है कि उससे वो मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं और वो पूरा का पूरा एकदम एंटी एजिंग जैसा इफेक्ट आता है। कुछ कॉस्मेस्यूटिकल्स ऐसे है कि एक स्लो रिलीज उसमें रहता है, अंदर स्किन के एब्जॉर्ब होता है
और जो एक फाइन लाइंस और रिंकल्स वो चले जाते हैं। उसके लिए ये सब जो नया टेक्नोलॉजी, हर रोज़ स्किन में नया नया इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अल्टीमेट इफेक्ट ब्यूटी ही है और वो एम हमेशा रहेगा। डॉक्टर, अभी जब बात चल रही है जब एडवांस टेक्नोलॉजी की, तो बात आती है फेस लिफ्ट की, तो उस बारे में बताइए सर। फेस लिफ्ट तो अभी बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार्स ने बहुत ही पॉपुलर किया हुआ है, जिससे कि मैंने कहा कि एक एंटी एजिंग जो प्रोसीजर्स है, वो एजिंग तो शुरू होता है 35 या 30 से ही आजकल शुरू होता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस, लैक ऑफ स्लीप है, जंक फूड है और बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कभी कभी फैट बढ़ जाता है और एक्सट्रीम डाइट से वो फैट लॉस भी होता है। एजिंग, व्हाट इज़ एजिंग? एजिंग यानी कि स्किन के सब प्रॉब्लम्स साथ में आते हैं, पिगमेंटेशन बढ़ता है, पफिनेस बढ़ता है, डबल चिन तैयार हो जाती है, स्किन सैगिंग होती है, ये जो फोल्ड्स है वो दिखने लगते हैं। जब ये जो एजिंग के एंटी एजिंग यानी दो होते हैं, जो एजिंग हुआ है उसको निकालना है और जो फर्दर आगे जो एजिंग होने वाला है उसको रिवर्स करना है, जो आगे एजिंग होना हो रहा है उसको रिवर्स करना है, वो करना है ये ट्रीटमेंट से, जैसे मैंने कहा रेडियो फ्रिक्वेंसी से और कुछ कॉस्मेटिकल्स यूज से, और जो एजिंग हुआ है उसे क्या करें, उसके लिए नॉन सर्जिकल और सर्जिकल दोनों ऑप्शन है। नॉन सर्जिकल अगेन एंडर्मोलॉजी कर सकते हैं और लेज़र्स से भी अच्छा होता है, लेज़र्स से अगेन हीट होती है और स्किन टाइट हो जाती है, और आजकल सर्जिकल फेस लिफ्ट भी बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन उसको सर्जरी, एनेस्थीसिया वैसे सब साइड इफेक्ट्स है। डॉक्टर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी समस्या तो काफ़ी सारी है, इसीलिए जो हमारी यंग जनरेशन है या महिलाएं या जो भी है आज मेल फीमेल परेशान है अपनी स्किन को लेके कि उसके लिए अच्छे से अच्छे दिखने के लिए वो क्या करें, तो जाहिर है होता है कि एडवर्टाइजमेंट देख के या किसी अपने दोस्त से सुन के वो मार्केट में भागते हैं और जो नया आया है उसे ट्राई करते हैं, तो ये कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है? अभी मार्केट में इतना एड्स रहता है, टीवी पे हर रोज़ 10 प्रोडक्ट्स के ऐड रहते हैं, ये लगाओ वो लगाओ, ये लगाते तो ये 6 इफ़ेक्ट्स रहते, 7 इफ़ेक्ट्स रहते, 8 इफ़ेक्ट्स रहते, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा इफ़ेक्ट मिलेगा, ये मेरे फ्रेंड को इफ़ेक्ट आया यानी कि मुझे आएगा क्या? एक फेयरनेस क्रीम से तो मेरा फेयर हो जाएगा, बट फेयर स्किन ये क्या हेल्दी स्किन है वो हमें पता नहीं। मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके स्किन का एनालिसिस होना ज़रूरी है। सिर्फ मेरी यहाँ ढब्बे है यानी कि मेरे को पिगमेंटेशन है तो मैं कौन सा भी फेयरनेस क्रीम लगाऊँ, ऐसा नहीं है। इसके लिए जब आप एक स्किन एनालिसिस टेस्ट करते हैं तो एक्चुअली अपने स्किन को क्या चाहिए वो हम समझ सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, पिगमेंटेशन कितना है, एजिंग साइंस आ रहे हैं कि नहीं है, ये तो समझा जाता है कि आप SPF 30 या कुछ सनब्लॉक नहीं यूज़ करोगे तो 30 या 35 में ही अपना एजिंग शुरू हो जाता है। स्किन एनालिसिस के बाद में ही समझेगा कि आपके स्किन को क्या चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, ये देखने के बाद जो डॉक्टर है वो आपको सजेस्ट करेंगे ये आपके लिए अच्छा है। कौन से भी क्रीम में कुछ भी करो, सिर्फ वो वाइट 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 दिखना वो हेल्दी नहीं है। इसके लिए मेनली एनालिसिस करना है क्या, और देखना है कि जो प्रोडक्ट के लिए मैं जा रही हूँ क्या वो रेप्यूटेड है, वो टेस्टिंग करना चाहिए, मुझे उसकी एलर्जी है कि नहीं। ऐसा कई बार मैं कुछ पेशेंट्स में देखा है बहुत ही रेप्यूटेड इंटरनेशनल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स है और उसकी बहुत बैड एलर्जी उसको आती है। तो एक तो स्किन क्या है, मेरे स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है, जो प्रोडक्ट मैं खरीदने जा रही हूँ वो रेप्यूटेड है, उसकी मुझे एलर्जी है कि नहीं, वो सब टेस्ट करके बाद में मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं कि नहीं। कभी कभी एक दो महीने के बाद रिजल्ट्स दिखने लगते तो हम कह सकते हैं कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए बराबर है, ये प्रोडक्ट सेफ है। सेफ और इफेक्टिवनेस दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे अभी हमारे आपके चर्चा के दौरान आपके साथ एक और एक बात सामने आई थी, हम लोग फेशियल और ब्लीचिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो काफ़ी देर हम लोग हमारी जो पार्लर की जो कंसल्टेंट होती है उनसे बात करते हैं कि ये फेशियल अच्छा है, ये फेशियल अच्छा है, तो इतना फेशियल करना चाहिए, इतनी बार करनी चाहिए महीने में। जैसे आपकी एज अगर 30 क्रॉस करती है तो आपको महीने में एक बार तो करना ही करना है, 15 दिन में तो करना ही करना है, तो हमारी महिलाएं भी कंफ्यूज होती है कि वो करे तो कैसे, किस तरह का फेशियल करे या कितने महीने में कितनी बार करे, और नेचुरली अगर एक डॉक्टर के तौर से देखा जाए तो आप इसे कितना फ़ायदेमंद कहेंगे कि नेचुरली फेशियल करना चाहिए या नहीं? ये तो एक मेरे ख्याल से मिथ है। फेशियल मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, सिर्फ एक मसाज है, और स्किन को क्या है, सिर्फ मसाज देते हो तो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है
और स्किन में थोड़ा सा ब्राइटनेस आता है, वाटर कंटेंट बढ़ता है। उसके अलावा स्किन के अंदर जो है, स्किन को जो चाहिए, जो नरिशमेंट चाहिए, जो हाइड्रेशन चाहिए, वो तो देना बहुत ही मुश्किल है। मेरे ख्याल से जिस एक महिला को सिर्फ अच्छा लगता है करने के बाद, ज़्यादा कुछ फेशियल का इफ़ेक्ट स्किन के ऊपर कुछ नहीं होता है। ये होता था तो हर महीने करने की ज़रूरत भी नहीं थी। इसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स है, और सिर्फ मेरे को फील गुड नहीं, मेरा स्किन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। मैं फेशियल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन फेशियल के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, वो प्रोडक्ट्स सिर्फ ऊपर ही के ऊपर उसका इफ़ेक्ट हो रहा है कि वो अंदर जा रहे हैं, वो देखना बहुत। वो प्रोडक्ट अंदर जाते हैं तो ही स्किन का नरिशमेंट बदल जाता है, और तो वही उसका एक्चुअल इफ़ेक्ट है। इसके लिए फेशियल के प्रोडक्ट्स क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन से तरीके से हो रहा है, ये जो स्ट्रोक्स लगाते हैं वो क्या लिम्फेटिक ड्रेनेज के अनुसार है, वो देखना बहुत जरूरी। कोई भी ट्रीटमेंट रॉन्ग नहीं होती, करने वाले का टेक्निक और जो प्रोडक्ट्स है वो इम्पॉर्टेंट है, इफेक्ट तभी मिलता है। तो पहले तो अपने स्किन के बारे में, स्किन टाइप के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक बात और है मैम कि जैसे अभी जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ है या हम मीडिया वाले जैसे हैं, तो हमें बहुत घंटों तक मेकअप करना पड़ता है, और मेकअप करने के बाद 4 से 5 घंटे या कभी कभार बहुत उससे 10-12 घंटे तक मेकअप लगातार करना पड़ता है, तो वो कितना स्किन के लिए नुकसानदेह होता है, या तो मेकअप करना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, ऑप्शन नहीं होता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आजकल मेकअप करना बहुत ही इसेंशियल हुआ है, क्योंकि एक लाइट मेकअप से जो एक फेस ब्राइट दिखता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेकअप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेकअप नहीं करना चाहिए, मेकअप ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, मेकअप का उद्दिष्ट क्या है, आपको सिर्फ सफ़ेद दिखना है, या जो आप में जो ब्लेमिशेस है, कभी अंडर आई सर्कल्स है, कहाँ ब्लॉचिनेस है, उसको सिर्फ कैमोफ्लेज करना है। वो एक तो आपको क्लियरली चाहिए कि मेरे को मेकअप क्या करना है, मैं कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ, और वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स है वो मुझे सूट होती है कि नहीं। कितनी बार मैंने देखा हुआ है कि रॉन्ग प्रोडक्ट से बहुत ही एलर्जी होती है, वो ईयर्स आफ्टर ईयर्स वो यूज़ करते हो, और रॉन्ग मेकअप या रॉन्ग प्रोडक्ट से एक स्किन बहुत ही डल हो जाती है, पिगमेंटेशन बढ़ता है, फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेकअप का उद्दिष्ट सिर्फ चेहरा सफ़ेद दिखना नहीं है, लेकिन चेहरा ब्राइट दिखना चाहिए। और एक जैसे कि हम लोग अपना काम ख़त्म होता है, पूरा का पूरा मेकअप निकालना बहुत ही इसेंशियल है। स्किन हैज़ टू ब्रीद, स्किन को ब्रीद करना ज़रूरी है। डॉक्टर, इसी तरीके से अगर हमारी जो आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें हम बहुत कम समय निकाल पाते हैं अपने लिए भी या तो फिर स्किन के लिए भी, तो इसी डेली रूटीन में हम अपनी स्किन की केयर कैसे करें, जो नॉर्मली हमें पॉसिबल हो कि डेली केयर करना कि ये हम करें, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे आप? जैसे कि मैंने शुरू में कहा, स्किन इज़ अ मिरर ऑफ योर हेल्थ, तो इसके लिए आपको स्किन खूबसूरत रखनी है, चेहरा खूबसूरत करना है, तो इंटरनल हेल्थ जो खुद की हेल्थ है उसे भी बहुत संभालना चाहिए। उसके लिए कुछ रूल्स है, एक तो बहुत सारा दिन में पानी पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, स्लीप बहुत इसेंशियल है, रेगुलर आवर्स ऑफ 6 to 8 hours ऑफ स्लीप आर वेरी इसेंशियल। आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स बहुत ही इसेंशियल है, ये तो हेल्थ के लिए है। जब आप ये सब करते हो तो अपने आप स्किन में, स्किन को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिल जाते हैं, नहीं तो स्किन बहुत ही डल हो जाती है। सिर्फ एक्सटर्नल कुछ लगाने से वो स्किन अच्छी दिखने वाली नहीं है, ये तो जैसे कि हेल्थ के लिए किया तो अपने आप स्किन इम्प्रूवमेंट, उसका टेक्सचर और इलास्टिसिटी इम्प्रूव हो जाती है। और स्किन केयर, एक्सटर्नल केयर, 2-3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप बाहर निकलते हो तो कौन सा भी सनस्क्रीन, सन ब्लॉक 30-40 लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिपीटेडली आउटडोर्स हो तो एवरी 4 आवरली लगाना चाहिए, और दिन में सुबह निकलते टाइम वो लगाओ, और रात को कोई भी तरीके का मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, पूरा मेकअप निकालने का और वो मॉइस्चराइज़र। ये सब आप स्किन केयर लेते हो तो स्किन बहुत ही ब्राइट और रिजुविनेटेड लगती है। ये स्किन केयर बहुत ही इसेंशियल है। ये स्किन केयर आप लेते हैं तो एजिंग भी जल्दी नहीं आता है, बहुत ही लेट ऑनसेट हो जाता है एजिंग का।
डॉक्टर, आजकल एक और लोगों के बीच में एक ड्यूअल सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जैसे लोग चाहते हैं कि कोई भी अगर बाहर का जो क्रीम है ये है वो लगाएंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, तो क्यों ना हम आयुर्वेदिक जो दवाई है या कोई भी पाउडर है, क्रीम है या तेल है, वो मसाज है, तो उसकी तरफ लोगों का जो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? एक तो आजकल एडवर्टीजमेंट से आयुर्वेदिक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं। एक स्पेसिफिक आयुर्वेद का बोलना उचित नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, आपको एलर्जी नहीं है और सेफ है, उस पर इफ़ेक्ट्स आप देख रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ऑल प्रोडक्ट्स आर सेम। तो अभी जैसे बहुत सारी चर्चाओं के दौरान हमने फीमेल के बारे में बात की, टीनेजर्स के बारे में बात की, तो मेल भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, तो मेल के बारे में कुछ ऐसी ट्रीटमेंट या क्या आप सलाह देंगे कि वो भी अपने स्किन के लिए कुछ अलग से ये करें, देखभाल करें? मेल्स को एक तो स्किन केयर और स्किन ट्रीटमेंट जब हम लोग सजेस्ट करते हैं तो उनके पास बहुत टाइम नहीं रहता है, फिर भी एक दिन में नहीं तो भी रात को जो एक नाइट क्रीम आप लगा सकते हैं। और मेल्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम हमने देखा है कि वो डबल चिन का, डबल चिन से फेस को एक अलग दिखता है, इसके लिए वो एंटी एजिंग क्रीम्स लगाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो भी आउटडोर्स काम करते हैं तो SPF लगाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, सबसे अहम और लास्ट सवाल ये है कि अपने डाइट के बारे में हम कैसे ध्यान रखें, क्योंकि ये ट्रीटमेंट क्रीम्स ये वो सब तो एडवांस टेक्नोलॉजी भी आती रहेगी, लेकिन जो डाइट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो डेली शेड्यूल के साथ हम अपने डाइट के बारे में क्या ध्यान दें? स्किन के लिए डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा उसमें बहुत सारा प्रोटीन्स चाहिए, एसेंशियल फैटी एसिड्स चाहिए, और बहुत सारा जैसे कि मैंने कहा हर रोज़ 3 to 4 liters ऑफ वाटर एसेंशियल है। फैट्स के लिए हर रोज़ वॉलनट्स, बादाम ये खाना भी बहुत ज़रूरी है। डाइट आपका परफेक्ट हो तो स्किन बहुत ही ब्राइट और अच्छी दिखती है, तो डाइट भी सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर, आज आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए ये वक्त निकाला और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।